ग्रेट वॉर, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, एक ऐसा युद्ध जो 4 साल चला, जिसमें 40 मिलियन के अराउंड कैजुअल्टीज आई और लगभग 17 मिलियन लोगों की जाने गई। यह युद्ध कहने को तो एक कॉन्टिनेंट में हुआ था, पर इसका प्रभाव लगभग हर देश पे देखने को मिला था कहीं ना कहीं। इस युद्ध में ग्लोबली 1/3 पॉपुलेशन इफेक्ट हुई थी, पर यह युद्ध है कौन सा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आज हम समझेंगे द ग्रेट वॉर यानी कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को और खत्म हुआ था 11 नवंबर 1918 को। अब कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी ये भी जान लीजिए। तो एक तरफ थी एलाइड पावर्स, जिनमें थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए। हालांकि यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट शुरू से नहीं था, इसकी एंट्री 1917 में हुई थी। अब ऐसा क्या हुआ था वो हम आगे देखेंगे। सो एक तरफ एलाइड पावर्स हुए तो दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स, जिसमें थे ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर। तो ये तो मैंने आपको डेट्स और कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी इसके बारे में बताया। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझेंगे, क्योंकि भैया इतना बड़ा युद्ध ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा। तो आइए समझते हैं बैकग्राउंड को। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन की, जो कि यूनिफाइड हुआ था साल 1871 में। उससे पहले जर्मनी छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था। तो जर्मनी को यूनिफाई कराने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था बिस्मार्क का, और जैसे ही जर्मनी यूनिफाइड हुआ, बिस्मार्क ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करी, जो कि फ्रांस को आइसोलेट करने की थी, क्योंकि फ्रांस को हरा कर ही जर्मनी एट लास्ट यूनिफाइड हुआ था। तो बिस्मार्क की ये सोच थी कि फ्रांस एक घायल शेर की तरह है, जो शायद आगे जर्मनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बिस्मार्क के फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था कि कैसे ना कैसे करके फ्रांस को आइसोलेट ही रखा जाए। अब दूसरी पॉइंट को देखें तो वो था कई सारे अलायंसेस का फॉर्म होना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी को फ्रांस को आइसोलेट करना था, इस वजह से कई सारे अलायंसेस जर्मनी के द्वारा बनाए गए थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। लीग ऑफ थ्री एम्परर, जो कि फॉर्म हुआ था 1873 में, जिसमें थे आपके ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, रशिया। फिर बात करें तो था ट्रिपल अलायंस, जो कि फॉर्म हुआ था 1882 में, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। फिर आखिरी बात करते हैं वो था आपका ट्रिपल एंटेंट, जो कि फॉर्म हुआ था 1907 में, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, ये सब लोग थे। अब इन अलायंसेस को बनाने का एक रीजन और भी था, क्योंकि उस वक्त यानी कि स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी और एंड ऑफ 19th सेंचुरी के दौरान हर देश को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना था, जिस वजह से किसी भी देश को कोई दूसरे देश पे ज्यादा भरोसा नहीं था। इस वजह से कई सारे अलायंसेस बनते थे और टूटते थे। अब अगले पॉइंट को देखें तो वो था जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी में चेंज होना, और ये किसके द्वारा हुआ था? काइसर विल्हेम II के द्वारा। ये जर्मनी में पावर में आए थे साल 1890 में, और इनकी सोच थी कि जर्मनी को अगर सुपर पावर बनना है तो इकोनॉमिकली काफी ग्रो होना होगा, और वो कैसे होगा? वो होगा इंपीरियलिज्म के थ्रू, यानी कि जर्मनी को अपनी कॉलोनीज बनानी होगी जिसमें जर्मनी इकोनॉमिकली ग्रो हो सके। अब इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद, इसको समझ लीजिए। इंपीरियलिज्म यानी कि कोई बड़ा देश किसी छोटे देश को अपनी कॉलोनीज बनाता है, ताकि उस छोटे देश की उसको कॉलोनी बना के उनके रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सके। क्योंकि क्या होता है, कोई जितना भी बड़ा देश हो, ठीक है, कोई कितना भी बड़ा देश हो, उनकी जो बाउंड्रीज होती है वो लिमिटेड होती है, उनके जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनके जो लेबर पोटेंशियल होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। और उस दौर की बात करें यानी कि 20वीं सदी की बात करें, अगर हम स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी की बात करते हैं, तो इंपीरियलिज्म यानी कि बड़ी कंट्रीज क्या चाहते थे कि अपने रिसोर्सेज, अगर उनके कंट्री के रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, तो छोटे छोटे कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बना लें और उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके खुद इकोनॉमिकली काफी ग्रो हो जाएं, जैसा कि ब्रिटेन किया था। ब्रिटेन ने इसी तरीके से ग्लोबली ऑलमोस्ट हर कंट्री पर राज किया था। तो इंपीरियलिज्म एक कारण था जिसको काइसर विलियम II को लगा कि इंपीरियलिज्म की वजह से ही जो जर्मनी है वो इकोनॉमिकली ग्रो करेगा। तो इस वजह से जर्मनी ने कई सारी कॉलोनीज जो ब्रिटेन, फ्रांस या रशिया की थी, उसमें कैसे ना कैसे करके इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, जिसमें एक फेमस क्राइसिस है द मोरक्को क्राइसिस। मोरक्को की बात करें तो ये एक फ्रांस की कॉलोनी थी, और मोरक्को में साल 1905 आते आते एक तरह का प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, जिसमें लोग फ्रांस से इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट को जर्मनी के द्वारा सपोर्ट किया गया। इस वजह से इस क्राइसिस के दौरान लगभग फ्रांस और जर्मनी आमने सामने आ गए थे, पर ये क्राइसिस किसी तरीके से वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो ये था पूरा बैकग्राउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का। पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये सारी चीजें तो बहुत सालों से हो रही थी, पर ऐसा क्या ट्रिगरिंग मोमेंट हुआ जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट ही हो गया? तो अब समझेंगे कि आखिर कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, हाउ द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। जून 1914 फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। फ्रांस फर्डिनेंड प्रिंस थे ऑस्ट्रिया हंगरी के। इनकी हत्या होती है बोस्निया में, और किसके द्वारा होती है? एक नेशनलिस्ट ग्रुप जो कि सर्बिया से बिलोंग करता था। अब आप सोचिए
किसी देश के प्रिंस की हत्या कर दी जाए तो उस देश के लोगों को गुस्सा नहीं आएगा। यही गुस्सा ऑस्ट्रिया हंगरी में भी था, और वो कैसे ना कैसे करके सर्बिया को सबक सिखाना चाहते थे। पर ऑस्ट्रिया हंगरी का डर ये था कि अगर वो सर्बिया को अटैक करते हैं तो रशिया सर्बिया के सपोर्ट में आएगा, क्योंकि भैया सर्बिया और रशिया के बीच अलायंस हो रखा था। तो रशिया के डर की वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी जाते हैं जर्मनी के पास, और जर्मनी से कहते हैं कि सर्बिया पर अटैक करना है, और इस दौरान रशिया अगर सपोर्ट में आएगा सर्बिया के, तो क्या आप यानी कि जर्मनी आप हमारा सपोर्ट करेंगे? क्या लगता है जर्मनी क्या आंसर देगा? जर्मनी ने कहा जाइए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और इसके तुरंत बाद ही ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक करता है सर्बिया पे। अब जैसे ही सर्बिया पे अटैक हुआ, रशिया की एंट्री हो गई। अब जैसे ही रशिया की एंट्री हुई, जर्मनी ने रशिया और फ्रांस दोनों पे वॉर छेड़ दी। अब फ्रांस पे अटैक करने के लिए जर्मनी को बेल्जियम पे इन्वेट करना पड़ा, और जैसे ही बेल्जियम पे अटैक हुआ, ब्रिटेन की भी एंट्री होगी भैया। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ब्रिटेन की एंट्री कैसे हुई। ब्रिटेन और बेल्जियम में ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ लंडन, जिसमें यह था कि अगर बेल्जियम पे अटैक होता है मतलब ब्रिटेन पे अटैक होता है। अब समझ में आ रहा है ना कि अलायंसेस का कितना बड़ा रोल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब ये सभी देश आपस में लड़ ही रहे थे कि रशिया ने भैया ऑटोमन एम्पायर की शिप्स पे अटैक कर दिया, क्योंकि 20th सेंचुरी आते आते ऑटोमन एम्पायर काफी ज्यादा वीक हो चुका था, जिस वजह से रशिया ने सोचा कि ये बिल्कुल सही टाइम है ऑटोमन एम्पायर पे अटैक करने का। अब इसी दौरान जर्मनी ने भी अपनी शिप्स उतार दी, क्योंकि जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर का अलायंस था, और जर्मनी ने भी अटैक्स किया, और इसी दौरान यूएसए की कुछ शिप्स भी डिस्ट्रॉय हो गई, जिसके चलते यूएसए की एंट्री हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। हालांकि यूएसए ने साफ कहा था कि वो सिर्फ वर्ल्ड पीस और इस वॉर को खत्म करने के लिए ही इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब सेंट्रल पावर्स के लिए थोड़ा टफ पड़ रहा था एलाइड फोर्सेस से लड़ना। इसी दौरान 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हो जाता है, और लेनिन रशिया को विड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। पर तब भी कंबाइंड एलाइड फोर्सेस एट लास्ट सेंट्रल पावर्स को हरा देती हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एट लास्ट खत्म होता है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के साथ। अब ये ट्रीटी ने क्या किया, इस ट्रीटी ने पूरा ब्लेम जर्मनी पे डाल दिया, बहुत सारा इकोनॉमिक बर्डन लगाया, और जिसकी लास्ट रीपेमेंट जर्मनी ने 2010 में की थी। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी रीपेमेंट 2010 में हुई थी तो कितना ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन था। इस ट्रीटी ने जर्मनी की टेरिटरीज को भी डिवाइड कर दिया था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। हालांकि यूएसए अपने स्टैंड पे था नो इंप्रिज्म वाला, यानी कि यूएसए ने कोई भी टेरिटरीज जर्मनी की नहीं मांगी। तो इस तरह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कंक्लूड होता है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। देखिए, ये हमारी नई सीरीज है जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उसको मैं कवर कर सकूं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में, जो कि आपके एग्जाम रेलेवेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, पर मेंस में वो काफी ज्यादा आता है। तो ये जो सीरीज है, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा इस सीरीज में जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जो भी आपकी राय है कमेंट जरूर बताइएगा, और जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे तो इस सीरीज में और भी टॉपिक्स में आता लाऊंगा। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।